हेलो एवरीवन, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला साइन दिया गया है, ये वाली साइड हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जो हमारे पास इक्वल होगी 12 के। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास एक यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारे पास सर्कल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना होगा कि जहाँ पे हमारे पास दो सिमिलर कोई पिक्चर दी गई है, जैसे कि हमारे पास लास्ट में आपके यहाँ पे दो ट्रायंगल दी गई हैं। अगर हम यहाँ पे दो ट्रायंगल दी गई हैं और ये ट्रायंगल दिखने में भी सेम है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, जैसे कि इनका सम कितना है, 20 सम है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 10 10 इन दोनों की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू निकाल दी है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 10। इसी तरह हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल देखते हैं, जैसे कि आपको ये ट्रायंगल दिख रही होगी, इसकी भी क्या होगी, 10 वैल्यू होगी, क्योंकि ये देखने में दोनों सिमिलर हैं, तो इसकी भी क्या वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी। अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल की हमने वैल्यू निकाल दी है जो है 10, तो हमारे पास यहाँ पे 10 है और ये इक्वल किसके, 15 के। हमें ट्रायंगल में सर्कल की क्या वैल्यू होगी जो हमें प्लस करके कितना बने, हमारे पास 15 बन जाए, तो हमें यहाँ अगर यहाँ पे इसकी 5 वैल्यू होगी तो इक्वल कितना हो जाएगा, 15, यानी कि जो हमारे पास ये सर्कल है इसकी क्या वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यू होगी। इस तरह से हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड कर दी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी सर्कल है, यानी कि इसकी भी क्या वैल्यू होगी, हमारे पास 5 होगी। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज जोड़नी है जो हमारे पास सम कितने इक्वल हो जाए, 12 के इक्वल हो जाए, यानी कि हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 7 को 7 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 12 हो जाएगा, 7 + 5 हमारे पास 12 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ है 7 आएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे इक्वल कितना आएगा, 12 होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स था उसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर दिया है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।